श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद अगले दिन का हम संग्रहालय के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। विशेषीकृत संग्रहालय, विशेष प्रकार के संग्रहालय में वस्तुओं का संग्रह होता है। उसके बाद इस प्रकार के संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनार्थ वस्तुओं का संग्रह होता है और आम जनता को उसकी विशिष्टता का अवलोकन करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जैसे रेल संग्रहालय नई दिल्ली में, ये रेल के इंजन बनाए हुए और उस तरह के रेल के इंजन वहाँ पर रखे गए हैं जनता को देखने के लिए। प्रदर्शनकारी लोग बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, इसे देखते हैं तो ये चीज़ जानते हैं। तो और भी पढ़ने लिखने की किताबें, बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें या वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, तो वही है संग्रहालय। उसके बाद है संग्रहालय का महत्व। पादपों पादपों हर्बेरियम हर्बेरियम एवं प्राणियों संग्रहालयों का एवं प्राणियों प्राणियों संग्रहालयों का संग्रहालयों का एक ही तरह का उद्देश्य होता है, का एक ही तरह का उद्देश्य उद्देश्य होता है। इसमें है पहला नंबर है उच्च स्तरीय संग्रहालयों उच्च स्तरीय संग्रहालयों संग्रहालयों का संग्रह संग्रह विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए लाए गए विभिन्न पादपों का विभिन्न पादपों का उनका व प्राणियों व प्राणियों का होता है। दूसरा नंबर है नई नई जातियों का संग्रह
क्यों का संग्रह, संग्रह इनकी प्रमुख प्रमुख विशेषता है। प्रमुख प्रमुख या तो प्रमुखता होती है, उसके बाद तीसरा नंबर है संग्रहालयों में सुरक्षित संरक्षित पादपों व प्राणियों का विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रण समुचित जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद ध्यान दीजिए, संग्रहालय के बारे में पढ़ चुके, फिर संग्रहालयों का महत्व आता है। पादपों हर्बेरियम में प्राणियों संग्रहालयों का एक ही तरह का उद्देश्य होता है। इसमें संग्रहालयों का महत्व पादपों हर्बेरियम एवं प्राणियों संग्रहालयों का एक ही तरह का, पादपों में हर्बेरियम दूसरा होता है, संग्रहालय दूसरा होता है, लेकिन लिखा संग्रहालयों का इनका महत्व क्या है। लिखा है पादपों यानी हर्बेरियम, पादपों मतलब पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, सभी जानते हैं। तो इसमें पेड़ पौधों की पत्ती, जैसे आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती है, बैंगन की पत्ती है, प्याज की पत्ती है, और भी लहसुन की पत्ती है, इस प्रकार की पादपों का संग्रह किया जाता है, इनके पत्तियों का, और इन्हें एक किसी अन्य प्रकार के कापी में इन्हें रख कर हम सुखाते हैं। अगर हम इस तरह से बाहर इन्हें सुखा दें, धूप में सुखा दें, या वैसे खुला छोड़ दें, तो इनकी पत्ती की आदि सिकुड़ कर टेढ़ी और ख़राब हो जाएगी, तो इनका ये महत्व नहीं है। तो हर्बेरियम पत्ती को लाते हैं, एकत्रित करते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे की पत्तियों के एकत्रित करने के बाद किसी कापी में हम इन्हें दबाते हैं, तो वह पत्ती सूख भी जाएगी और सीधा भी पड़ी रहेगी। तो इस तरह से पादपों में हर्बेरियम पत्तियों को रख लेते हैं, सूख जाती है, सूखने बाद फिर अन्य विशेष प्रकार के एक एल्बम या कोई कापी बनाते हैं, उसमें हम चिपकाते हैं, चिपकाने बाद वैज्ञानिक नाम, उसके पत्ती के प्रकार, किस पौधे की पत्ती है, तरह तरह के उसके नाम दर्शाते हैं, लिखते हैं। उसके बाद लिखा एवं प्राणियों के, जैसे मानव का है अस्थि कंकाल है, या शरीर के अंगों को कोई हड्डी का भाग है, तो इन्हें प्राणियों
संग्रहालयों का एक ही तरह का, इन दोनों का लगभग एक ही तरह का महत्व होता है। ये इसीलिए लिखा गया पादपों हर्बेरियम एवं प्राणियों एवं दोनों का, संग्रहालयों का एक ही तरह का उद्देश्य होता है। उसके बाद नंबर एक है, नंबर एक उच्च स्तरीय संग्रहालयों का संग्रह, उच्च स्तरीय बड़े पैमाने पर अधिक संग्रहालयों का संग्रह विशेष प्रकार के वस्तुओं का, या तो मान लीजिए पेड़ पौधों का, उसके बाद विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों स्थानों से लाए गए विभिन्न पादपों का, चाहे पादप हो चाहे प्राणी जीव जंतुओं का संग्रह होता है, पहला नंबर है। उसके बाद दूसरा नंबर है नई नई जातियों का संग्रह, और उसके बाद नई नई जाति हैं इनका संग्रह होना चाहिए, इन्हें इनकी विशेष प्रमुख विशेषता है इनका संग्रह इकट्ठा करना, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, संग्रह होना चाहिए, इनकी प्रमुखता है मतलब विशेष प्रकार की इनकी विशेषता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होता है। जबकि इसमें किताब में दिया है कि नई नई जातियों का संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, चाहे पादप हो चाहे कोई जीव जंतु हो, इनकी हड्डी या पेड़ पौधे की पत्ती, इन सब चीज़ों की संग्रह की जाती है, प्रमुख विशेषता होती है। तीसरा नंबर, संग्रहालयों में संरक्षित मतलब सुरक्षित पादपों व प्राणियों, चाहे पादप हो चाहे प्राणियों का, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों से हम खोज कर या किसी माध्यम से लाते हैं, लाने के बाद एकत्रित करना, समुचित मतलब सभी का और समुचित जानकारी का प्रमुख स्रोत होता है, और विशेष प्रकार की इन सब प्राणियों और पादपों से विशेष प्रकार की हमें जानकारी मिलती है, वही लिखा है समुचित जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तब उसके बाद है तीसरा नंबर है, उसके बाद है फिर और भी थोड़ा सा हर्बेरियम, हर्बेरियम छोटे छोटे पुष्पीय छोटे छोटे पुष्पीय पुष्पी कोष्टक में लिखा गया आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधों का उनके विभिन्न भागों पुष्प पत्तियों फल आदि 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 का संग्रह है, आदि का संग्रह कर उनका परिरक्षण प्लांट है
प्लांट प्रेस, प्रेस की सहायता से की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार पौधों पौधों या उनके विभिन्न के विभिन्न भागों को उचित ढंग से फैलाकर दबाकर व सुखाकर सुखाकर देखिए हर्बेरियम छोटे छोटे पुष्पी पादप, छोटे छोटे इनके पुष्पी पादप कोष्टक में लिखा है आवृत बीजी, ऐसे पादप जिनमें नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। छोटे छोटे पुष्पी पादप में आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, पौधों का उनके विभिन्न भागों, ऐसे पौधे लेते हैं जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों हों, उनको हम आवृत बीजी पादप कहते हैं। तो छोटे छोटे पुष्पीय यानी फूल धारण करने वाले आवृत बीजी पौधों का उनके विभिन्न भागों मतलब भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, जैसे फल है, फूल है, पत्ती है आदि का, तो उनके विभिन्न भागों पुष्प है, पत्ती है, फल आदि का संग्रह करते, संग्रह मतलब इकट्ठा, इनके विभिन्न भागों को अलग अलग हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उनका परिरक्षण प्लांट प्रेस की सहायता से किया जाता है। परिरक्षण इनका सुरक्षा, इन्हें पौधों की पत्ती या फल या पुष्प हैं, इन्हें दबा करके पत्ती के पुष्प हैं, फल हैं, इन्हें दबा करके प्लांट प्रेस की सहायता से आता है, जिसे दबा देते हैं, दबा के रख के सुखा देना, सुखाने के बाद इस प्रकार पौधों या उनके विभिन्न भागों को उचित ढंग से यानी पौधे की पत्ती टेढ़ी न हो, खराब न हो, यानी उचित ढंग से इन्हें सुखाकर हम एक एल्बम तैयार करते हैं। तो यह फैलाकर, दबाकर व सुखाकर इनको हम एक एल्बम तैयार करते हैं। इसके अनुसार, इस पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ में अध्ययन हेतु तैयारी करने के लिए तैयार किया जाता है, पढ़ने के लिए, सब चीज़ जानने के लिए, इसलिए हर्बेरियम का जो है उपयोग किया गया है। क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ में अध्ययन हेतु तैयार किया जाता है, जिसे वनस्पति संग्रह या हर्बेरियम
कहते हैं, जिसे वनस्पति संग्रह, पेड़ पौधों का संग्रह, या इसे ही हर्बेरियम कहा जाता है। उसके बाद अगले दिन हम पढ़ेंगे हर्बेरियम तैयार करने के लिए आवश्यक कुछ निर्देश।